गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं ना। चलिए आज नन्हे मुन्ने बच्चों को मेट्रो की कहानी सुनाएंगे। मेट्रो एक ट्रेन होता है जो कि आपका बहुत तेज चलता है, ट्रेन से भी ज़्यादा तेज चलता है। आइए मेट्रो की कहानी सुनते हैं। प्यारे बच्चों, क्या तुम मुझे जानते हो? चलो आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ, यानी मेट्रो के बारे में। मेरा नाम मेट्रो है। मैं हूँ एक रेलगाड़ी, लेकिन अन्य रेलगाड़ियों से बिल्कुल अलग हूँ। भारत में सबसे पहले मुझे कोलकाता में चलाया गया था, लेकिन अब मैं दिल्ली में भी दौड़ती हूँ। यहाँ चले मुझे अभी कुछ ही समय हुआ है, इसलिए इस शहर के लिए अभी मैं नई नई हूँ। यहाँ पर कहीं जमीन पर तो कहीं पुल पर तो कहीं भूमि के नीचे सुरंगों में निकल कर जाती हूँ। मेरे रुकने पर के प्लेटफार्म बहुत ही साफ सुथरे होते हैं। रोजाना हजारों यात्री मुझ में सफर करते हैं। आपको मुझ में सफर करने के लिए प्लेटफार्म से टिकट लेना पड़ता है। टिकट के रूप में प्लास्टिक का गोल टोकन लेना होगा, जिसे मशीन से छुआते ही मुझ तक आने का रास्ता खुल जाएगा, जहां मेरे रेल ट्रैक भूमि से ऊपर है। वहां ऊपर चढ़ने के लिए स्वतः चलित सीढ़ियां, जो अपने से आती जाती है मशीनों के द्वारा, बिजली के द्वारा। यहां से आप बिना हिले डुले ही पायदान पर ही खड़े होकर प्लेटफार्म पर पहुंच जाओगे। स्टेशन पर आते ही मेरे दरवाजे स्वतः मैंने अपने आप खुल जाते हैं। फिर उतरने वाले यात्री उतरते हैं और चढ़ने वाले यात्री चढ़ते हैं। फिर मेरे दरवाजा स्वतः ही बंद हो जाते हैं और मैं अगले स्टेशन के लिए दौड़ पड़ती हूँ। दिल्ली में सबसे पहले